केवल अहो निचिय दुन्नयति नीरं चिनं नमः बारहे अंग की इच्छा पिए लिए मल मूड़े तन से नो तिलया विवेह पर चरण भूसा पसियउ सुय देवया सुईरम सयल कण पौ में रविनो दिवी थी विराइया विनी संग नीरा या विकुराया गण हर देवा पसी यंतु पसियउ महु धर सेनो परवाई गयो एतान वर सीधो से थन्तामिय सायर तरंग संघाये धो ओये मनो पणि मामि पोपे दंतम दुकेयंतम दुन्नेयं धेया अरे रविम भग्य सेवे मगे कंटे मिसि समीपयम सया दंतम पणि महे कै भूये बलिम भूये बलिम केसे बासे परिभो भूये बलिम विनी है बम है पसेरम बढ़ा विय विमल नान बम है पसेरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवच्छायानम नमो लोये सव्यसाहूनम ओम रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धर्मसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षट खंडागम ग्रंथ इस पर इसके प्रारंभिक पांच खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका पहला खंड टीका और अनुवाद सहित छह पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में भीष्म रूपणाओं की चर्चा करके इस दूसरी पुस्तक में उन्हें विषय की स्पष्टता हेतु परस्पर में घटित कर रहे हैं, जिसे आलाप कहा जाता है।
पहले जीवों के सामान्य आलाप दिखाए, इसके बाद 14 गुणस्थान गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान के आलाप, इसके बाद मार्गिनाओं के आलाप प्रारंभ करके नरक गति, फिर त्रियंश गति, यहाँ तक के आलापों के बाद में अभी अपनी चर्चा मनुष्य गति संबंधी आलापों पर चल रही है। मनुष्य गति के चूंकि 5 भेद हैं, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्री वेदी मनुष्य और लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, इनमें से अभी अपनी चर्चा सामान्य मनुष्यों पर चल रही है। चूंकि सामान्य मनुष्यों के पूरे पूरे गुण स्थान, तो उस संबंधी चर्चा हुई। अब इसके बाद इन्हें को एक एक गुण स्थान में अलग अलग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान 507 पेज से, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। चलिए सुधीर भैया ही शुरू करें। ग्रंथ सामान्य मनुष्य मिथ्या दृष्टियों के बारे में सबसे पहले गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान के अनुसार चल रहे हैं तो पहले गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला गुणस्थान, फिर इसके बाद में जीव समास में 2 जीव समास, संघी पर्याप्तक, क्योंकि वो संघी होते हैं तो संघी पर्याप्तक, संघी अपर्याप्तक। बहुत अच्छा। फिर इसके बाद में पर्याप्तियां, तो 6 पर्याप्तियां होंगी, पर्याप्ति मतलब 6 अपर्याप्तियां भी होंगी। फिर इसके बाद में प्राण में आएंगे 10 प्राण और 7 प्राण, पर्याप्तक के 10 प्राण, अपर्याप्तक के 7 प्राण। फिर चारों संज्ञाएं होंगी, गति में मनुष्य गति है, जाति में पंचेंद्रीय जाति है, काय में त्रस काय है, और इनके 11 योग होंगे, 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक कायों और औदारिक मिश्र, तो औदार और कारवाण काय, तो कारवाण काय तो विग्रह गति के अनुसार है और औदारिक मिश्र मिश्र के हिसाब से है। इसके बाद में वेद में 3 वेद हैं, कसाय में 4 कसाय हैं, 3 अज्ञान, क्योंकि पहले गुणस्थान की चर्चा है तो कुज्ञान की ही बात आएगी, तो इसलिए 3 अज्ञान आएंगे। असंयम है। फिर दर्शन में 2 दर्शन, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, द्रव्य से और भाव से 6 ही लेस्या होंगी, भव्य और अभव्य दोनों होंगे, मिथ्या तो होगा है ना, और इसके बाद में संधि होगा और आहारक अनाहारक दोनों होंगे, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी दोनों होंगे। बहुत अच्छा। ये हुआ सामान्य मनुष्य मिथ्या दृष्टि का। अब चूंकि इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों गर्भित हो गए थे, इसलिए अब उन्हें अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले पर्याप्त, चलिए उनको अभी समय दें, उन्हें अभी समय दें, तब तक और इन लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, शीतल दीदी करेंगे शुरुआत। मिथ्या दृष्टि सामान्य पर्याप्तक आलाप कहने पर एक गुणस्थान रहेगा, पंच इंद्रिय पर्याप्त संगनी रहेगी, जीव समास पर्याप्ति 6, प्राण 10, संगना 4, गति मनुष्य, इंद्रिय 5, काय त्रस्काय, योग क्योंकि पर्याप्त है तो 9, 11 योग, 11 योग नहीं पर्याप्त मात्र के, 9 पर्याप्त के हट जाएंगे, 9 वेद वेद तीनों वेद, तीनों वेद कषाय, 4 कषाय, ज्ञान आदि के, आदि के 3 ज्ञान, अज्ञान
तीनों के अज्ञान, क्या दृष्टि है इसमें? हाँ, मिथ्या दृष्टि, संयम असंयम दर्शन, दो चक्षु अचक्षु दर्शन, लेशिया भव्य और भव्य अभव्य सिद्धिक, सम्यक्त्व में मिथ्या मिथ्यात्व, संगनी ही होंगे मनुष्य है इसलिए, आहार अनाहार दोनों, सॉरी आहारक अनाहारक दोनों, और उपयोग साकार अनाकार। बहुत अच्छा, अब इनका ही अपर्याप्त भेद। चलिए ज्योति बहन जी, नहीं आप अभी ऑफ है, ऑन करिए। हाँ आवाज आ रही? हाँ जी आ रही। हाँ, ये मिथ्या दृष्टि सामान्य अपर्याप्त मनुष्यों का आलाप है, तो गुणस्थान पहला, और संगी अपर्याप्त जिप्समास, और छह अपर्याप्तियां, सात प्राण, चार संज्ञा, मनुष्य गति, जाति पंचेंद्री, काय त्रस, और योग दो रहेंगे यहाँ पे, तारिक मिश्र काय योग और कर्मण काय योग। क्यों? क्योंकि है ना, ये अपर्याप्त है। तो एक तो विग्रह गति का है, हाँ जी, और मिश्र दशा का है, अवधारिक मिश्र, बहुत अच्छा, आगे। वे वेद तीन, हाँ, और कसाय चार, और अज्ञान दो, और असंयम दो दर्शन, अज्ञान में मरण नहीं होता, नहीं वो अज्ञान दो, तो तीन क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पहले गुण स्थान की बात है, पहले गुण स्थान की ही अपर्याप्त की बात है, इसलिए विभंगावधि नहीं नहीं होगा। प्रेरण प्रेरण, हाँ, असंयम अपर्याप्त दशा में विभंगावधि नहीं होता है। असंयम, हाँ, दो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, और द्रव्य से कापोतलेश्या और शुक्लेश्या, ये क्यों? ये विग्रह गति में शुक्लेश्या है और अपर्याप्त दशा में कापोतलेश्या, और बाकी अशुभ लेश्या है कृष्ण नील कापोत भाव से, भाव से, भाव से, बहुत अच्छे, और भव्य और अभव्य सिद्धिक, और गुणस्थान पहला मिथ्यात्व, गुणस्थान नहीं, सम्यक्त्व मार्ग, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व पहला मिथ्यात्व, और संगी आहारक और अनाहारक, और दोनों कैसे बन जाएंगे? ये जब तक वो पर्याप्ति ग्रहण करेगा, ग्रहण कर रहा है तब तक अनाहारक रहेगा, और जब ग्रहण करेगा तब आहारक हो जाएगा। उसको ऐसा कहेंगे कि विग्रह गति में अनाहारक, और विग्रह गति के बाद वो यहाँ आया तो आहारक, बहुत अच्छा, आगे। उपयोग साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, बहुत अच्छा। इस तरह से पहले गुण स्थान संबंधी तीनों विकल्प हो गए। दीदी, मनुष्य गति में तो छह लेशियाएं होती है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ तीन लेशिया के लिए अशुभ लेशिया, ये अपर्याप्त दशा, अपर्याप्त मतलब कहीं से मर के आया है उस समय की, उस समय है तीन ही। तो अपर्याप्त अवस्था में हमेशा कहीं किसी भी गति में हो तो वो अशुभ लेशिया, हमेशा का नहीं कह सकते, देवगति आदि की अलग व्यवस्था, ये तो मनुष्य गति की। तो देव गति से भी यदि कोई मनुष्य आ रहा है तो उसके भी अशुभ लेशिया होगी। हाँ। मनुष्य गति में जो भी जीव आएगा कहीं से भी आएगा चाहे, तो वो अशुभ लेशिया ही होगी अपर्याप्त अवस्था में। कृष्ण नील कापोतिन तीन में से ही कोई। उपयोग में तो हम दर्शनों के और ज्ञानों को भी कह सकते हैं ना, साकार अनाकार कहने की अपेक्षा, क्योंकि ज्ञान को स्वतंत्र मार्ग ना में लिया, दर्शन को भी स्वतंत्र मार्ग नाम लिया, तो उनसे भिन्न करने के लिए इनके नाम अलग रखे, तो साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी।
इस कारण से। छोटा सा प्रश्न है, जो ज्ञान आठ कहे ज्ञान फिर उसको चढ़ा ली दिक्कत देख लेता कुमति कुशु विभंग ज्ञान फिर अवधि मन पड़े केवल केवल ज्ञान और विभंग ज्ञान है ये अलग स्वतंत्र है या मति ज्ञान को मुच्छात के साथ कुमति कहते हैं शुद्ध ज्ञान को मुच्छात के साथ कुशुद्ध कहते हैं या अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि देव नाकी आदि यात्री उसको विभंग कहते हैं यह अलग है उससे। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है ज्ञान के आठ भेद कहे कुमति कुश्रुत विभंगावधि मति श्रुत अवधि मना प्रयोग केवल ज्ञान तो स्वतंत्र है ही तो ये जो छह है ये छह वास्तव में अलग अलग हैं कि मूल तीन और नाम छह ये प्रश्न वास्तविकता है कि मूल तीन और नाम छह यानी मूल में एक पांच इंद्रियों मन से पैदा होने वाला ज्ञान एक उसके द्वारा विशेष जानने वाला ज्ञान और एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के पुद्गल को जानने वाला ज्ञान तो ज्ञान तो ये रही। अब इन्हीं ज्ञानों के परिणमन के समय यदि मिथ्यात्व है तो जो पांच इंद्रियों मन से पैदा होने वाला ज्ञान था उसे नाम पड़ जाएगा कुमति और जो उसके द्वारा विशेष जानने वाला था उसे नाम मिल गया कुश्रुत और जो द्रव्य आदि की सीमा लेकर के जान रहा था पुद्गल को उसे नाम मिल गया विभंगावधि। अब यदि सम्यक तो है तो इन्हीं ज्ञानों को क्रमशः मति श्रुत अवधि ये नाम मिल जाएंगे यानी ज्ञान का मूल सम्यक और मिथ्यापन कोई नहीं। देखिए ऐसा लेना अपन ज्ञान एक प्रकाश तत्व है प्रकाश मतलब जैसे बिजली उसमें कोई अशुद्धि आती बिजली तो बिजली चाहे वो रसोई घर की बिजली हो चाहे लैट्रिन बाथरूम की बिजली हो फिर भी नहीं ये लैट्रिन बाथरूम की तो उसका प्लग चाहे जैसे नहीं छूना कपड़े बदल के जाना बच्चों ओके का और जबकि प्रकाश प्रकाश ऐसा ही यहाँ कि सम्यक तो और मिथ्यात्व के कारण ज्ञान को सम्यक और मिथ्या ये विशेषण मिल गए। मूल में ज्ञान का सम्यक मिथ्यापन कुछ नहीं मना पर्याय केवल ज्ञान तो स्वतंत्र है ही तो उनमें तो कोई समस्या ही नहीं। क्या मिथ्यात्व के साथ वाले मना पर्याय होता ही नहीं सॉरी सॉरी मना पर्याय ज्ञान हमेशा छठवें गुणस्थान से जो आपने अवधि को ये कहा द्रव क्षेत्र काल भाव की भाव की मर्यादा क्या कितने पदार्थों को जाने तो द्रव में जाए द्रव्य में वो पदार्थों की सीमा और भाव में हमारा ज्ञान यानी हमारी क्षमता कि हम कितनों को जाने तो हमारी क्षमता ये भाव में और वे पदार्थ द्रव्य में यानी दो चीजें हो गई ना ये ज्ञेय और ये ज्ञान पदार्थ
कितने क्षेत्र में रहेंगी देवों को जाने उसकी सीमा, कितने काल तक के उनको जाने उसकी सीमा, और उनके कितने भावों को, नहीं उनके भाव नहीं है, भाव मतलब हमारी जानने की क्षमता। क्यों? वो इसलिए कि मान लो यहाँ इतने सारे पदार्थ, इन सबको जानने की क्षमता हमारी होगी ऐसा नहीं, वो हमारी क्षमता अलग, किसको जान सके हो किसको नहीं। देखिए ऐसा ले ले इसको, अपने कपड़े होते ना एकदम मोटा कपड़ा, पानी की बूंद कितनी मोटी होती, वो निकल जाती उसमें से और आटा नहीं निकल पाता, आटा उससे काफी बारीक भी हो, यानी पानी की बूंद तो काफी मोटी मोटी होती है, अब वो उसमें से निकल जाता मोटे कपड़े में से ही और आटा नहीं निकल पाता। ये जानने की क्षमता भी ऐसे ही है, यानी यहाँ के को हम जान रहे फिर भी यहाँ के हर पदार्थ को जान लेंगे ये किसी ही बारीकियों द्वारा, ऐसा नहीं। हाँ भाव अपने संबंधी, अब वैसे ले तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी मूल तो भाव ही रहा, क्योंकि हमारा ज्ञान कितने द्रव्यों को जानेगा, कितने क्षेत्र को जान पाएगा, कितने काल को जान पाएगा, ते भेद हमारे ज्ञान को लेकर के ही पड़े, तो मूल भाव मुख हो जाएगा। इसी मुख्य प्रकाशित में उनकी की व्याख्या आदि को ज्ञान आदि को मेरे भाव का है और इस पर शादी उनके भाव का, हम जिन्हें जान रहे हैं उनके भाव लेंगे अपने भाव, अपने भाव, क्योंकि उनमें तो पूरे पूरे भाव विद्यमान है, ऐसे तो क्षेत्र पूरा विद्यमान, हाँ हम जानते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ ना कि ये सब भेद हमारे ज्ञान के कारण पड़ा, काल भी और सब कुछ विद्यमान, पर जो एक सीमा बनी वो हमारे ज्ञान के कारण, द्रव्य भी सभी विद्यमान पर जो सीमा बनी वो हमारे ज्ञान के कारण, तो इस ज्ञान का ही नाम अब भी ज्ञान है, इसलिए जो सीमा को लेकर के जान। तो आप ठीक है क्योंकि ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान है, तो वो वस्तुएं सीमित नहीं है, क्षेत्र सीमित नहीं है, काल सीमित नहीं है, उनके भाव अनंत अनंत है। तो हम अगर इसमें उनके भावों को भी ले कि उनके एक एक करके अनंत अनंत भाव होना पड़ती है, उनके भावों को इस समय जानने की कितने भाव, हाँ ये यानी कमी वहां नहीं है गेहूं में, वे तो पूरे के पूरे विद्यमान, हम कितना जान पाएंगे ये हमारा, ये सब में द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब में, यानी गे तो पूरे के पूरे एक साथ विद्यमान, अब हम कितना जान पाते हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का निर्धारण उसके आधार से, गियो के आधार से नहीं। ये अपना मति सुरत ज्ञान का भी ऐसे, यानी गियो की ओर से कमी थोड़ी है, पर हमारी जानने की क्षमता कितनी, तो सीमा तो वो बनाता है, यानी अपना ज्ञान सीमा बनाता, गे थोड़ी सीमा बनाते, ये तो अनंत हाँ अनंत हाँ, ये तो उनके भाव भी हाँ, ये तो उनके भूत और इसके भाव हाँ, अपने जानने की हाँ, तो सारी सीमाएं हैं अपने ज्ञान के आधार से, ये अवधि मन परे ज्ञान में नहीं लगती, सब में लगेगा अवधि हाँ, मन परे मन परे में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, परिभाषा जब विस्तृत परिभाषा होगी, चूंकि
अवधि ज्ञान से अनंत गुणा सूक्ष्म जानने वाला ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, यानी तद अनंत भागे, उसके अनंत में भाग को जानने वाला, तो उसके मतलब किसके? अवधि ज्ञान के। तो अवधि ज्ञान में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा थी वह तो यहाँ सुरक्षित रही, उसकी और बारीकी को ही जाने, सीमा बराबर है, मर्यादा है, मर्यादा असीम नहीं है। सीधी बात है कि अवधि ज्ञान जो अनंत में तत्व की जानता है केवल मर्यादा है। और इसमें भी जैसे ढाई जीप के अंदर अंदर को जाना, बाहर को नहीं जाने, मंत्री नहीं जाने, हाँ, और काल में भी रूप मुनिराज चारों दिन की धारी, हाँ, जा सकते ढाई जीप नहीं, नहीं बाहर, यानी मनुष्यों की सीमा मानुषोत्तर पर्वत, इससे आगे नहीं। नारद जा सकते नहीं, कोई भी मनुष्य नहीं, नारद भी मनुष्य नहीं, जा नहीं कोई नहीं, देव जा सकते, देव जा सकते, देव स्वयं जा सकते, कदाचित त्रियंचों को ले जा सकते, यानी यहाँ के त्रियंच हों उनको ढाई दीप के बाहर ले जा सकते, फेंक सकते, त्रियंच की सीमा नहीं, नहीं त्रियंच की सीमा नहीं, पर मनुष्य किसी भी रूप में उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र से वहां का जीव यहाँ सकते मरकर, मरकर जीवित देव नहीं, तो ढाई दीप में भी मनुष्य बाहर, बाहर नहीं, नहीं, नहीं बाहर नहीं, ये तो मर करके त्रियंचाधि ले जा सकते, वैसे तो मरणांतिक समुद्रघात वाले भी यहाँ से बाहर जा सकते, केवली समुद्रघात में भी बाहर प्रदेश फैल जाते, पर बाकी ऐसे शरीर सहित नहीं। जहाँ पे बड़ी देवी होती है प्रथा है, जहाँ से मरकर देव ही होते हैं, या युगलिया होते हैं, भोग भूमि, भोग भूमि, तो भोग भूमि हम तो साधारण नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ का कोई जीव या वहाँ पर चार डिग्री धागे गर्म होते हुए यहाँ आ जाए तो उनके भावों को हम प्रेगन पहचान कर ही जान सकता है कि मूल में तो भोग भूमिया में संयम होता है, तो भोग भूमि जीवों को संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए कदाचित कोई चारण रीतिधारी मुनिराज हमारे क्षेत्र में, हाँ, और वो वहाँ का वर्णन कर तो कर सकते, हाँ, परंतु चूंकि इसके लिए भी अपना पुण्य तेज चाहिए, अभी अपना पुण्य इतना हीन है कि कोई ऐसे आते ही नहीं, तो नहीं, नहीं नहीं, जैसे विदेश क्षेत्र में है ना, अभी तो कहीं भी जा सकते, पर इस भरत एरावत में नहीं आएंगे, यानी भोग भूमि चले जाएंगे, क्यों? अपना पुण्य नहीं होता, भाव बने तो आ सकते हैं, हाँ, अन्य कालों में आते हैं, इतने ही क्यों? कोई ऐसा शास्त्र आधार के नहीं आ सकते इस समय, नहीं नहीं आ सकते का मात्र एक ही, कि उसका संबंध अपने पुण्य के साथ, तो अभी पंचम काल में नहीं आ सकते, ये चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न, भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न उसमें है, कि अब इस काल में चारण रीतिधारी विद्याधर वैमानिक देव ये नहीं आएंगे यहाँ।
यानी अच्छे लोगों को देखने के लिए भी महापुण्य चाहिए पड़ता है। देखो विडम्बना होना चाहिए नहीं कह रही हूँ, उदाहरण किन्हीं विदेश क्षेत्र के मुनिराजों को देव कहीं भी ले जा करके गिरा दे, वहां से उनका मोक्ष हो जाता है, समुद्र से भोग भूमि से। पर अपना उसको पुण्य के उदाहरण की वाली बात नहीं कह रही, उदाहरण कि अपने को वैसे भी दृश्य देखने नहीं मिलते, यानी अभी कोई ऐसे भी नहीं कि देखो देव ने इनको गिरा दिया अब यहाँ ये आत्माराधना कर रहे और यहाँ से मोक्ष हो गया, तो हमें थोड़ी सी देर को दर्शन मिल गए। तो जल का क्षेत्र ज्यादा है किसी क्षेत्र, हाँ उसी की नौकरी बराबर ऐसा नहीं है जो हाँ जहाँ से पहुँच जी पहुँच जी हाँ अनंत अनंत, ये इसी के उत्तर में देव ने भी कहा तो इसका एक ही कारण है कि वहाँ पर कोई देव ने आरती है इसके उत्तर में कहा क्षेत्र और काल बाधक नहीं, तेरा मुसाफिर मान लो डाला वहां से सीधे इस पर इतने जीव वक्त तक डाले गए यानी कितनी अपनी हीनता अयोग्यता, कोई चाय नहीं कि ऐसे देखने मिले हैं क्योंकि अपने कारण से उनके पाप का उदय क्यों आ भी, पर फिर भी नहीं मिलता ऐसा कोई प्रश्न सीधा समुद्र में डाले, सभी जगह डाल सकते तो अपने कर्म भूमि में भी डाल सकते, पर अभी नहीं। विद्याधर कहीं भी जा सकते, मतलब मनुष्य क्षेत्र के अंदर, अभी यहाँ विद्याधर भी नहीं आते। यानी अच्छे लोगों के दर्शन के लिए अपना भी पुण्य चाहिए, नहीं वहाँ 14 गुण स्थान 14 ही गुण स्थान, जब तक विद्याएं रहेंगी तो 4 गुण स्थान, कुछ विद्याएं सीमित करें तो 5, और पूरी विद्याओं को छोड़ दें तो 14, यानी सभी गुण स्थान वहां होते अभी भी। हाँ यानी अभी भी जो विजयाद पर्वत की श्रेणियां जो विद्याधरों का क्षेत्र वहां से मोक्ष हो रहा है, वो अपने आर्य क्षेत्र से लगा हुआ, यानी आर्य क्षेत्र ऐसा यहाँ से विज्ञात पर्वत यहाँ में रह रहे, यहाँ से 14 गुण स्थान सिद्धि भी हो रही। तो 14 स्थान में ये सब तो 7 स्थान में आते ही सब विद्या छोड़नी पड़ेगा, सब विद्या छोड़ेगा तो 14 तक जा सकते। हाँ 5वें में है कुछ रख सकते, यानी आपको सीमा बनानी पड़ेगी, और 6वें में सब छोड़नी पड़ेगी। अच्छे पुरुषों में तो उनकी गिनती इसीलिए आई है विद्याओं के बल से। हाँ विद्याओं के बल पर विशेष योग्यताएं होती हैं। चलिए चर्चा में कोई मजा आया है? चलिए अब आवाज नहीं पहुंची, वो आपकी आवाज वैसे स्लो है ना, वो तो उसमें पहुंच के ठीक है, बढ़िया आवाज आई अच्छी, ठीक। चल अब दूसरा गुण स्थान, इसमें क्योंकि जन्म भी होता है इसलिए यहाँ भी तीनों आलाप बनेंगे, पहले सामान्य फिर पर्याप्त तक फिर अपर्याप्त तक। चलिए आगे। हाँ भाई अनुराधा बहन जी, गुणस्थान में एक सासादन गुणस्थान,
और संगी पर्याप्त भी होंगे और संगी अपर्याप्त भी, दो ही जीव समास होंगे क्योंकि दूसरा गुण स्थान है। छह पर्याप्तियां होगी, छह अपर्याप्तियां होगी, दसो प्राण होंगे, सात प्राण होंगे, चारों संज्ञाएं होगी और गति मनुष्य गति होगी और पंचेंद्रिय जाति होगी, दृश काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र योग और कारमाण काय योग, ग्यारह योग होंगे क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था की बात है। और चारों कसाएं होगी, तीनों अज्ञान होंगे, कुमति कुसरूत और कुअवधि क्योंकि ये मिथ्यात्व मतलब दूसरा गुणस्थान है, असंयम होगा, चक्षु और अचक्षु दो ही दर्शन होंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा गुणस्थान है तो सुअवधि दर्शन होगा नहीं, तो इसीलिए दो ही प्रकार के दर्शन होंगे क्योंकि सुअवधि के पहले आचार्यों ने दर्शन माना है। इसके बाद द्रव्य और भाव से बहुत बढ़िया कारण सहित बता रहे, बहुत अच्छा। द्रव्य और भाव से छह लेशियाएं होगी और भव्य सिद्ध होंगे क्योंकि दूसरा गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान में सिद्ध वो सम्यक दृष्टि ही आते हैं और साधन सम्यक तो होगा, संगी ही होंगे, दूसरा गुणस्थान संगी को ही होगा, आरक होंगे और अनारक भी होंगे, साधारण उपयोगी। ये वाला कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कौन सा संगिक? हाँ संगी, तो दूसरा गुणस्थान है ना तो संगी होंगे ना, मन सहित। कारण तो ये देना कि मनुष्य हमेशा संगी होते हैं, मनुष्य का है तो मनुष्य संगी होते हैं, जी 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 बराबर। और आहारक और अनारक दोनों होंगे, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा उच्चारण पे भी ध्यान देना, औदारिक, औदारिक नहीं औदारिक जी, वैसे ही कारमण, कारमान नहीं कारमण, हाँ जी जी औदारिक कारमण, बहुत अच्छा। हाँ भाई आगे तिलकमणि भाभी जी। दीदी हाँ जी, सासाधन गुण स्थान है ना? हाँ जी, सासाधन होगा, हाँ जी, जीव समास, जीव समास में क्या लेंगे दीदी? संगी पर्याप्त, पर्याप्त अभी चर्चा पर्याप्त की तो संगी पर्याप्त, और पर्याप्तियां छह होंगी, हाँ। प्राण, हाँ। प्राण दस होंगे दीदी, हाँ। संज्ञा चार, हाँ। गति मनुष्य गति, हाँ। जाति पंचिंद्री जाति, हाँ। काय त्रस, हाँ। योग ग्यारह होंगे दीदी, हाँ। ग्यारह कैसे होंगे ए? ग्यारह कैसे होंगे? चार मन के, चार वचन के, हाँ। और गाय के। पर्याप्त की चर्चा है, हाँ। तो पर्याप्त में अकेला औदारिक, औदारिक अपर्याप्त वाले निकल जाएंगे तो नौ होंगे योग आगे, तो कितने ग्यारह होंगे दीदी? नौ, नौ नो, चार मनोयोग, चार वचन योग और एक औदारिक काय योग, औदारिक। और वेद तीनों होंगे दीदी, हाँ। कसाय चार, हाँ। ज्ञान अज्ञान तीनों, तीन अज्ञान, मति सुरत और कुवावदी, कुमति कुसरत संयम असंयम, हाँ। दर्शन दो, लेस्या छे, द्रव्य और भाव से छ, हाँ, क्रम द्रव्य और भाव से छ लेस्या है क्योंकि पर्याप्त की चर्चा है, हाँ, इसलिए, हाँ। भव्य, भव्य, हाँ। पे दोनों आएंगे दीदी, आप बताओ, भव्य आएंगे इसमें तो, क्यों? क्योंकि सासाधन गुण स्थान, हाँ। भव्य को सासाधन है ना, तो चौथे से गिर करके ही मिलेगा, इसका, हाँ। मतलब भव्य, हाँ।
सम्यक्त सासाधन सम्यक्त हाँ सासाधन सम्यक्त संगी हाँ संगी होंगे हाँ आहार आहार नहीं होंगे अनारण नहीं होंगे इसमें क्योंकि इसमें मरण नहीं होता पर्याप्त की चर्चा अच्छा पर्याप्त दोनों पर्याप्त नहीं नहीं पर्याप्त की चर्चा है इसलिए अकेले आहारक आहारक और साकार उपयोग और निराकार उपयोग बहुत अच्छा अनाकार उपयोग दीदी जी हाँ जी इसमें तीनों वेद कैसे आए तीनों वेद क्यों मनुष्यों के तो तीनों होते हैं हाँ मनुष्यों में तो तीनों वेद चलते हैं नौवे गुण स्थान तक चलने हैं अवेद सवेद भाग तक मनुष्य की चर्चा है ना उसे तो तीन दिमाग में उससे लिंक कर रही थी कि सम्यक तो हो गया तो फिर स्त्री वेद में जन्म नहीं लेगा नए जन्म नहीं लेंगे जी जी पहले से हो तो जी 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 चलेगा हाँ जी हाँ जी आगे अब इसका ही अपर्याप्त हाँ जी भाभी जी आप लगाएंगे पांच सौ दस पेज पर चलिए तब तक आयुषी जी लगाते हैं बोलिए आयुषी जी सासाधन सम्यक दृष्टि सामान्य मनुष्य के अपर्याप्त संबंधी आलाप कहने पर पहला सासाधन गुणस्थान जीव समास में संगी पर्याप्त संगी अपर्याप्त जीव समास छह अपर्याप्तियां सात प्राण और चारों संज्ञाएं मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय और योग में औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग क्यों क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मनोयोग और वचन योग तो होते नहीं और वैक्रिय होगा नहीं क्योंकि देवनारकियों में होता है और आहारक भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा गुण स्थान है और आयोग भी नहीं होगा क्योंकि अपर्याप्त हाँ तीनों वेद चारों कषायें और दो अज्ञान क्यों दो क्यों क्योंकि अपर्याप्त दशा में विभंगावधि नहीं होगा बहुत अच्छा असंयम दोनों दर्शन चक्षु चक्षु दर्शन लेशिया द्रव्य और भाव से द्रव्य से तो शुक्ल लेशिया और भाव से तीन प्रकार नहीं शुक्ल द्रव्य से शुक्ल लेशिया और अशुभ लेशिया है नहीं या काश सिर्फ कापुत द्रव्य से शुक्ल लेशिया कैसे वो कार्मण शरीर विग्रह गति में होता है ना और कापुत तो इसीलिए मिश्र दशा भाव अपर्याप्त अपर्याप्त में मिश्र में औदारिक मिश्र में है कापुर भाव औदारिक में भाव से अशुभ लेशियां बहुत अच्छा आगे भव्यत्व अभव्यत्व दो नहीं सिर्फ भव्य सिद्धिक क्योंकि दूसरा गुण स्थान है इसीलिए और सासाधन सम्यक्त्व संगी आहारक और अनाहारक दोनों दोनों कैसे क्योंकि विग्रह गति में तो अनाहारक और मिश्र अवस्था में आहारक बहुत अच्छा उपयोग और साकार उपयोग या नाकार उपयोग बहुत अच्छा अब तीसरा गुणस्थान क्योंकि तीसरे गुणस्थान में न जन्म न मरण इसलिए पर्याप्त अपर्याप्त वाला कोई भेद नहीं एक सामान्य ही आलाप इसका अकेला ये किया लाभ हानि भाव या भूमि तीसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्य मनुष्यों के अलाप के लिए मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ये
आदि के तीन ज्ञान संयम असंयम और असंयम असंयम तीन ज्ञान संयम चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन द्रव और भाप के छह लक्षण भाप सुदृढ़ कमजोर मिथ्या उंगित आहार साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। एक सम्यग मिथ्या तो यहाँ थोड़ा सुधार लेना ग जी तो ये छपने में यहाँ छपने में ग पूरा लिखा है उसको आधा कर लेना सम्यग मिथ्या डंडा हटा देना। हलंत कर सकते हाँ हलंत कर सकते नीचे ऐसा जो लगा देते ना तो उससे आधा हो गया ऐसा कर लीजिए। इस तरह से तीसरे गुणस्थान की भी चर्चा हुई। चूंकि यहाँ जन्म नहीं मरण नहीं इसलिए ये ख्याल आप। अब चौथा इसमें तीन मिश्रित अज्ञान के साथ तीन ज्ञान लिखे थोड़ा सा खुलासा कर दे। ये मूल में ज्ञान का अपना कुछ नहीं वह मात्र प्रकाश तत्व तो श्रद्धान जैसा होगा ज्ञान को वैसा नाम मिल जाएगा। यहाँ तीसरे गुणस्थान में श्रद्धान मिश्र है इसलिए ज्ञान भी मिश्र है। यानी मूल में ज्ञान का अपना कुछ नहीं श्रद्धान के आधार से नाम मिलना तो श्रद्धान मिश्र इसलिए ज्ञान भी मिश्र। अब इसका एक प्रश्न इस पर खड़ा होगा तो उसका प्रायोगिक रूप क्या होगा। प्रायोगिक रूप की समस्या इसलिए नहीं है कि इसका समय ही बहुत कम यानी प्रकट भी बहुत कम होना है और प्रकट होने के बाद रहना भी बहुत कम। प्रायोगिक रूप कुछ नहीं होगा यानी वो मिश्र ज्ञान वाला सही जानेगा कि गलत जानेगा प्रायोगिक रूप कुछ नहीं। जो मति और सुरत अथवा कुमति और कुसुरत ये तो सहज उपयोगात्मक रहते हैं। जो अवधियान आदि वाली स्थिति वह तो उपयोग लगाए तभी सक्रिय हो पाते हैं। यहाँ अलग से उपयोग लगाने के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा तो बस एक कथन रूप में ही मिश्र ज्ञान प्रायोगिक रूप में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ज्यादा समय भी टिकता ही नहीं अंतर्मूर्त काल है और कुछ तो कदाचित ही प्रकट होना है। ये जो विवक्षा ज्ञान पे ली हाँ चारित्र पर भी लगे चारित्र का फिर अपना कोई रूप नहीं कह रहा है। नहीं चारित्र में तो ऐसा है शुरू में कोई अपना रूप नहीं आगे जो स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी तो वो उसका अपना ज्ञान में ऐसा नहीं। और जो ज्ञान बढ़ेंगे हाँ सम्यक चारित्र मिथ्या चारित्र ये तो मात्र श्रद्धान के कारण उपाधि मिली और आगे जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी तो वो उनका अपना काम उससे फिर उनकी दशा अलग हो जाएगी। उसमें श्रद्धान का कोई रोल नहीं है। श्रद्धान का तो पहले ही रोल हो गया ना जो बात की स्वरूप स्थिरता बढ़ी हाँ उस बढ़ने के कारण श्रद्धान यदि मिथ्या होता तो स्वरूप स्थिरता होती नहीं।
स्वरूप स्थिरता हुई हाँ, बड़ी हाँ, उसमें कुछ योगदान हाँ, सम्यक श्रद्धा का भी हाँ, तो योगदान यही है ना कि वो है इसलिए स्थिरता बढ़ रही, यानी वृक्ष की जड़ें हैं इसलिए ऊपर फूल फल रहा, और जड़ें काट दो तो कितनी स्पीच ना, तो सम्यक दर्शन रूपी जड़ है इसलिए स्थिरता बढ़ रही, और ये जड़ कट जाए तो नहीं बढ़ेगी स्थिरता, ये योगदान है, मतलब मूल आधार जड़ है। हाँ जी, अब इसके बाद असंयत सम्य दृष्टि, क्योंकि यहाँ जन्म भी है इसलिए यहाँ तीनों आलाप होंगे, सामान्य भी और फिर पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी, बस अकेला एक ही है, आगे फिर जितने गुण स्थान आएंगे उन सब में बस एक एक ही आलाप, क्योंकि उनमें जन्म नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी भैया, चौथा गुण स्थान एक अभिरत सम्यक दृष्टि, इसके बाद में दो जीव समान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, क्यों? क्योंकि चौथा गुण स्थान है और इस गुण स्थान में जन्म होता है, हाँ जन्म होता है इसलिए, तो जन्म होता है इसलिए अपर्याप्त भी रहेगा और बाकी जीवन पर्याप्त। फिर इसके बाद में पर्याप्ति या क्षण पर्याप्ति आएंगी, क्षण अपर्याप्ति आएंगी, प्राण में पर्याप्त की अपेक्षा से 10 प्राण और अपर्याप्त के 7 प्राण, संज्ञाएं चारों होंगी, गति मनुष्य गति है, जाति में पंचेंद्रीय जाति है, काय में तिरस्काय है, और इनके योग में 11 योग होंगे, 4 मन के 4 वचन के, औदारिक काय योग, औदारिक मित्र योग, पारमा काय योग। 11 क्यों हो गए? क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की बात है, और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है इसलिए। और वेदों में 3 वेद होंगे, 4 कसाएं होंगी, आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि 3, मतलब इसमें 3 ज्ञान होंगे, क्योंकि चौथा गुण स्थान है सम्यक दृष्टि, इसमें 3 ज्ञान ना। फिर असंयम होगा, फिर इसके बाद में 3 दर्शन, और इसके बाद में लेस्या, द्रव और भाव से 6 लेस्या है, ये भव्य है ना, सम्यक में औपसमिक, छायक और छायोपसमिक, 3 सम्यक, और संगी होगा आहारक अनाहारक दोनों, साकार उपयोगी और नाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा, हाँ भाई चलिए आगे। अविनी असंयत सम्यक दृष्टि के पर्याप्त, अनुराधा बहन जी ने आप ऑफ है, अभी ऑन नहीं किया। हाँ जी, एक एक पहला अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान और संघीय पर्याप्तक जीव समाज, 6 प्राप्तियां पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, जाति पंचेंद्रिय, काय त्रिष्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग, इस प्रकार ये 9 योग, क्योंकि पर्याप्त अवस्था की बात है, 3 वेद होंगे क्योंकि चौथे गुणस्थान में है तो 3 ही वेद होंगे, 4 कसाएं होगी, और ये गुणस्थान में इसलिए 3 वेद होंगे, नहीं मतलब चौथा गुणस्थान 3 वेद, मतलब मनुष्यों के होता है तो 3 वेद वालों के हो सकते हैं, ये तो स्थिति 9 के 9 तक है, तक चल रही है क्योंकि मनुष्य है इसलिए 3 वेद, ठीक है। 4 कसाएं आदि के 3 ज्ञान, 3 मति श्रुत और अवधि ज्ञान, और असंयम और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, सम्यक दृष्टि की बात है, द्रव्य और भावों से 6 लेशाएं और भव्य ही होंगे, और 3 प्रकार के सम्यक होंगे, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक, ये 3 समय, क्योंकि ये तो पर्याप्त अवस्था की बात है तो 3 समय तो हो सकते हैं। हाँ
यानी नया प्रकट भी कर ले। छायक बताए ना, तीनों बताए। संगी होंगे और आहार के होंगे पर्याप्त अवस्था है, इसलिए साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। हाँ भाई आगे तिलकमणि भाभी जी, पहले ऑन करिए, ऑन करिए, पहले पहले अनम्यूट होइए। हाँ गुणस्थान चौथा हुआ दीदी, अविरत सम्यक और जीव समास संगी पर्याप्त, संगी पर्याप्त अपर्याप्त, अपर्याप्त की चर्चा। हाँ चर्चा। पर्याप्ति छह, प्राण दस, संज्ञा चार, गति प्राण अपर्याप्त, प्राण दस होंगे ना दीदी, अपर्याप्त अपर्याप्त। एक नियम था ना कि वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास, ये तीन प्राण हमेशा पर्याप्त को के होते हैं। सात होंगे दी, सात आगे, सात संज्ञाएं चार। हाँ। गति मनुष्य गति। हाँ। जाति पंच इंद्रिय जाति। हाँ। काय त्रस्काय। हाँ। योग योग दीदी कितने, ग्यारह होंगे ना, नहीं नौ होंगे, अपर्याप्त में दो, अपर्याप्त मिश्र में औदारिक मिश्र और विग्रह गति में है कारमन। आगे तो कितने होंगे दीदी फिर, दो दो, दो। वेद तीनों, नहीं 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 एक ही, अपर्याप्त दशा मतलब जन्म की, जन्म तो चौथे गुण स्थान में जन्म तो मात्र पुरुष वेद में ही होगा, पुरुष वेद के पहले से चल रहा हो तो मोक्ष जाने में समस्या नहीं आएगी, पर जन्म होगा तो मात्र पुरुष वेद में ही, स्त्री और नपुंसक वेद में चतुर्थ स्थान में जन्म नहीं होता, तो एक वेद होगा। कषाय चार होंगी दीदी। हाँ। ज्ञान असंयम, एक मिनट रुक जाइए, नहीं एक मिनट रुक जाइए, यहाँ वेद को लेके थोड़ी चर्चा की। हाँ। केवल एक पुरुष वेद होने का यह कारण है कि देव नारकी और मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि जीव मर कर यदि मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से पुरुष वेदी ही मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, अन्य वेद वाले मनुष्यों में नहीं, इससे एक पुरुष वेद ही कहा गया। अब इसमें एक ध्यान में रखेगा, मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि, इसका मतलब ये भोग भूमि वाला, यहाँ कर्म भूमि में आ रहा है, यानी भोग भूमि वाला देवगति में गया और देवगति से फिर यहाँ आ रहा। यदि कर्म भूमि वाला होगा तो वह मिथ्यात् दशा में ही पैदा हो, वहां तीनों वेद, यानी कर्म भूमि वाला मनुष्य कर्म भूमि में यदि जाएगा बराबर, तो नियम से मिथ्यात् गुणस्थान, वहां तीनों वेद। यहाँ जो असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य की चर्चा की दीदी, देव दीदी फिर सम्यक छूट जाएगा क्या कर्म भूमि वाले का? हाँ, यानी कर्म भूमि वाला मर के यदि कर्म भूमि में जा रहा तो उसका सम्यक छूट जाएगा, यानी मिथ्या तो लेकर के ही कर्म भूमि में जन्म ले सकता, सम्यक लेकर के नहीं। हाँ, देव और नारकी,
देवनार की सम्यक भी है तो नियम से भी कर्म भूमि में ही जन्म न देव और नार की ये सम्यक भी है तो नियम से कर्म भूमि के अविरत सम्यक्त में ही जन्मेंगे। पर्या का अविरत सम्यक भी मनुष्य मरा तो भोग भूमि में जाएगा, यदि कर्म भूमि में जाना है तो सम्यक छूट जाएगा। तो दीदी अभी पंचम काल में तो यहाँ कोई सम्यक्त के साथ जन्म लिया ही नहीं है, नहीं। यही तो यहाँ यही तो बहुत विचारनी है ना। यानी जो जन्म जयंती आदि वाली बातें मैं बार बार करती हूँ उसके पीछे यही है कि अपन किन की अनुमोदना करना चाह रहे। यानी यहाँ सब मिथ्या तो लेकर के ही जन्म लेते हैं। अभी कहें बाद में कर लिया तो बाद में जब किया तब से मना, मिथ्या की अनुमोदना क्यों करना है? चलिए आगे। तो यहाँ से दीदी विदेह क्षेत्र में भी जन्मेंगे तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्मना होगा, और फिर वो 123 की जो गणना आती है तो वो मिथ्या दृष्टि भद्र मिथ्यात्व। भद्र मिथ्यात्व मतलब है तो मिथ्यात्व पर बहुत अधिक पात्र, तो वे विदेह क्षेत्र में जन्मेंगे वहां सम्मित तो करेंगे और इतना पुरुषार्थ बढ़ेगा कि उसी ही भाव से मुक्त हो जाएंगे। इतने पुरुषार्थी रहेंगे टोटल तो अनेकों, ये जो उसी ही भाव से मोक्ष जाने वाले और बाकी तो अनेकों जाते रहते, बाकी के लिए तो मनुष्य भाव बहुत बड़ा जहां जाना चाहिए वहां जाओ, यहाँ से सब जगह के लिए गाड़ियां छूटती हैं। और इसीलिए जैसे जंक्शन से सब स्थलों को गाड़ियां छूटती तो सावधान वहीं ज्यादा रहना पड़ता, क्यों उल्टी सीधी गाड़ी में बैठ गए तो लेने के देने पड़ जाए, जहां से ये कई और गाड़ी जाती हो तो वहां तो कदाचित लापरवाही भी हो जाओगी तो चल जाए। ये मनुष्य गति ऐसी कि सब जगह के लिए गाड़ियां छोड़ती तो बहुत सावधानी की आवश्यकता। चलिए आगे। चारों कषाय ऑफ हो गया, ऑन करिए पहले। हाँ कषाय चार होंगे दीदी, ज्ञान तीन होंगे, संयम एक, असंयम दर्शन दर्शन दो होंगे, नहीं तीन होंगे, अभी ज्ञान आ गए ना। हाँ तीन दर्शन लेस्या द्रव्य भाव से छह लेस्या हैं, द्रव्य से अपर्याप्त दशा में छह लेस्या होंगी। नहीं 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 आप देखिए द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याएं, द्रव्य से विग्रह गति में शुक्ल और मिश्र दशा में कप और भाव से छह लेश्याएं, भाव से छह कैसी बनेंगी ये तो बता रहे। अभिरत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त मनुष्यों के छह लेश्याएं होने का कारण यह है कि प्रथम पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी पर्यंत पृथ्वियों में रहने वाले असंयत सम्यक दृष्टि नार की मरण करके मनुष्यों में अपनी अपनी पृथ्वी के योग्य लेशियाओं के साथ ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए तो उनके कृष्णील और कापुत लेशियाएं पाई जाती। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि देव भी मरण करके मनुष्यों में उत्पन्न होते हुए अपनी अपनी पीत पद्म और शुक्ल लेशियाओं के साथ ही मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं,
इसलिए मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टियों के अपर्याप्त काल में छोलेश बन जाते हैं। तीन अशुभ नारियों की अपेक्षा और तीन शुभ देवों की अपेक्षा, क्योंकि देवों में तो सर्वार्थ सिद्धि तक के अहिमिंद्रों का यहाँ जन्म, तो शुक्लेशिया वाले भी, तो इस तरह अपर्याप्त में छोलेश इन्हें कहाँ से आ रहे उसके अनुसार लेशियां अभी सम्मिलित। दीदी जी, हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये नियम नहीं बांधा था कि अपर्याप्त दशा में तीनों अशुभ लेशियां है, वो पहला और दूसरा गुणस्थान, पहला और दूसरा गुणस्थान, यहाँ ये चौथा गुणस्थान, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि वाले भी तो मनुष्य में ही आएंगे ना, शुभलेशिया वाले ने पहले दूसरे गुणस्थान में परिणाम बदल जाते, अशुभलेशिया हो जाएंगे, चौथे में परिणाम वैसे नहीं बदलेंगे, तो जो जिस लेशिया में मरा उसी लेशिया को लेके आएगा तो शुभलेशिया आएंगे। हाँ जी, आगे भक्त दीदी, भक्त में भक्त होंगे, हाँ सम्यक तीन होंगे, कैसे ओ सम्यक छाए, सम्यक और छाए, किसकी चर्चा, चौथे गुण स्थान की, चौथे में भी किन की, अपर्याप्त की दीदी, नहीं होंगे तीन, नहीं होंगे, कितने होंगे, अपर्याप्त के गुण स्थान नहीं होंगे दीदी, गुणस्थान तो होंगे, सम्यक्त भी होगा, पर औपशमिक सम्यक्त में नहीं होगा, मरण नहीं होता, इसलिए औपशमिक सम्यक्त नहीं होगा, तो मात्र छाय और छाय उपशमिक दो सम्यक्त लेकर के आ सकते। संगी होंगे देवी, संगी आहार आहार में दीदी, आहारक अनाहारक दोनों होंगे, विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक और मिश्र की अपेक्षा आहार, साकार उपयोग और निराकार उपयोग, बहुत अच्छा। अब इसके बाद पांचवा गुणस्थान, चूंकि इन गुणस्थानों में जन्म नहीं है, पांच में से चौदह तक अब कहीं भी जन्म नहीं, इसलिए इन सब का एक एक ही बनना है, इसलिए आचार्य स्त्री यहाँ संक्षिप्तीकरण भी करेंगे, दो कारण, एक तो आलाप एक ही और दूसरे गति भी एक, अन्य गतियों में संहिता संयुक्त त्रयंच में था, इसके आगे छठ में आदि तो मनुष्य गति में, तो जो सामान्य चर्चा की थी वह पूरी की पूरी यहाँ घटित हो जाएगी, इसलिए यहाँ थोड़ा संक्षिप्त कर देंगे। चलिए आगे आयुष जी, संहिता संयत सामान्य मनुष्यों के आलाप कहने पर एक संहिता, एक देश विरत पांचवा गुणस्थान, जीत समास संगी, पर्याप्त जीत समास, छहो पर्याप्तियां, दशो प्राण, चार संज्ञाएं, बताती जाइए तो ठीक रहेगा, छहो पर्याप्तियां होंगी क्योंकि पर्याप्त मात्र ही होते हैं इसमें, अपर्याप्त होते नहीं है, दसो प्राण होंगे क्योंकि पर्याप्त जीव है, और चारों संज्ञाएं होंगी क्योंकि ये तो सभी की होती है सदाबहार, और मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति और त्रस्काय योग में चारों मनोयोग, चार वचन योग और औदारिक औदारिक काय योग होंगे, और वेद में तीनों वेद होंगे, और चारों कषाय वेद कैसे बन गए, पांच के अपर्याप्त में एक वेद था, अपर्याप्त में पांच में तीनों वेद, क्योंकि ये पांचवा तो प्रकट करते हैं ना, नवीन उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ तो किसी भी वेद वाले हो सकते हैं ना पहले के, वे आगे बढ़ेंगे तो नौवे के सभी भाग तक वही वेद रहेगा, तो तीनों वेद,
अपर्याप्त में जन्म ले रहे थे, जन्म ले रहे हैं, तो जन्म तो मात्र पुरुष वेद में होगा, पर पहले से यदि कोई दूसरे वेद है तो उससे मोक्ष में कोई अवरोध नहीं आएगा। दीदी तीर्थंकर प्रकृति में तीनों वेदों में तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है क्या? नहीं नहीं, नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सत्ता दोनों ही मात्र पुरुष वेद में, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सब, क्योंकि केवली का पादमूल चाहिए, यही स्थिति छायिक संयुक्त की भी, तो वहां भी पुरुष वेद, मतलब वो तो चौथे गुण स्थान से बंधना शुरू होगी, तो मतलब पुरुष वेदी का ही बंधेगी क्या? एक वश नरक गति ऐसी कि चूंकि वहां और कोई वेद नहीं है, एक नपुंसक वेद है, तो वहां वो मजबूरी में नपुंसक वेद चल रहा। बाकी जो तीर्थंकर के अतिरिक्त जीव, तो शरीर का आकार पुरुष का है, तो अंदर का कोई सा भी भेद हो तो भी छायिक सम्मित तो कर सकते तीर्थंकर की अतिरिक्त। तीर्थंकर जो कि महापुण्यशाली, उनके विसंगति नहीं होती, अन्य जीवों के चल सकते। आगे चारों कक्षाएं तीनों ज्ञान संयम असंयम संयम, क्योंकि पंचम गुण स्थान है, दर्शन में तीनों दर्शन, लेशिया में द्रव्य और भाव, नहीं द्रव्य से तो छहुलेशिया है और भाव से मात्र शुभलेशिया होंगी, कारण क्योंकि पंचम गुण स्थान में शुभलेशिया नहीं होती पंचम से आगे, और भव्य स्थान में अशुभलेशिया नहीं होती। भव्य सिद्धिक सम्यक्तु में औपशमिक सम्यक्तु और छायोपशमिक सम्यक्तु और छायिक सम्यक्तु भी, तीनों सम्यक्तु कैसे होगा ये? क्योंकि मनुष्यों की चर्चा है ना, तो मनुष्यों में तो छायिक सम्यक्तु भी प्रकट कर सकता है। और संगी आहारक और अनाहार, नहीं सिर्फ आहारक, और उपयोग में साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब दीदी जी, सॉरी दीदी जी, हाँ जी, ये औपशमिक कैसे पंचम गुण स्थान में? हाँ, दोबारा करें। कोई एक जीव पहले गुण स्थान में था, हाँ, वहां से उसने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ किया शुरू, और इतना किया कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कषाय का एक साथ अभाव कर दिया, ठीक है, तो सीधा पांचवें में पहुंच गए औपशमिक सम्यक्तु। भले ही औपशमिक सम्यक्तु का काल कम है, तथापि सातवें गुणस्थान तक रहने में कोई समस्या नहीं, यानी प्रथमोपशम सम्यक्तु चौथे से सातवें तक रह लेता, भले अंतर्मुहूर्त काल है तो। हाँ जी, अभी इसके लिए ये शर्त है ना कि पहले यदि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो तभी वो सातवें में डायरेक्ट जा सकते हैं। आप तो द्रव्यलिंगी अपने बोलते हैं, भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग नहीं होता, तो फिर इसको द्रव्यलिंग हम कैसे पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता, बल्कि उल्टा है, मतलब भाव लिंग के साथ ही तो द्रव्य लिंग होगा। नहीं नहीं, है तो ऐसा, द्रव्य लिंग हमेशा पहले होगा, भाव लिंग बाद में, तो द्रव्य लिंग के बिना तो भाव लिंग होगा ही नहीं। ये हो सकता कि द्रव्य लिंग हो जाए और भाव लिंग ना हो, ये हो सकता, पर द्रव्यलिंग ना हो और भावलिंग हो जाए ये तो संभव ही नहीं।
और द्रव्य लिंग मूल में पहले चौथे और पांचवें गुण स्थान में, इसीलिए पहले से सीधा सातवां, चौथे से सीधा सातवां और पांचवें से भी सीधा सातवां हो जाता है। देखो ये जो निकृष्टता बताई जाती है वो तो इसलिए कि जब इतना पुरुषार्थ किया ही है तो थोड़ा और कर लो ना, इसके लिए कि आप अपद में संतुष्ट हो गए, सारे किए कराए तो पानी फिर गए, बाकी देखे तो अपने यहां तो द्रवलिंग की भी पूज्यता है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में तो ऐसा लिखते हैं कि समाह शरण में जो मुनिराजों की संख्या बताई तो क्या वहां सभी भावलिंगी थे द्रवलिंगियों की गिनती करके, और इतना ही क्यों, अपन तो भगवान को भी द्रवलिंगी ही पूज रहे। तो प्रतिमा जी क्या है, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, क्या है भावलिंग है उनमें, और फिर भी पूज है। अरे यहां तो मान लो वे प्रतिष्ठित है, साक्षात समोसरण में भी यदि अपन जाते और दर्शन करते क्या दिखता, भावलिंग दिखता, उनके अंदर की भीतराकता दिखती, सर्वज्ञता दिखती, तो अपन तो द्रव्यलिंग को पूछते। द्रव्यलिंग अपूज्य नहीं है, द्रव्यलिंग निकृष्ट नहीं है, पूज्यता है। पर जब निकृष्टता बताई जाती तो वो तो इसको लेकर के कि आपने द्रव्यलिंग क्यों प्रकट किया था भावलिंगी होने के लिए, और आप तो अपद में संतुष्ट हो गए, इसके लिए निकृष्टता बताई जाती। पर जब पूज्यता का व्यवहार होगा तो हमेशा द्रव्यलिंग को देख करके ही, क्योंकि भावलिंग को देखने की पहचानने की अपने में क्षमता ही नहीं है, अपन तो द्रव्यलिंग देख करके ही पूछते हैं। अब द्रव्यलिंग मतलब कि पूर्णतया जिनागम के अनुकूल आचरण, वो द्रव्यलिंग मन माना नहीं। तो जैसे दीदी अपने बोलते हैं कि प्रतिमाएं धारण कर ली, अरुणव्रत ले लिया, लेकिन अभी सम्यक दर्शन का तो अता पता ही नहीं है, तो फिर ले सकते हैं फिर तो अनुव्रत और प्रतिमाएं बिना सम्यक दर्शन के भी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो पहले से सीधा पांचवां भी होता है किनको होगा, इसका मतलब पहले से प्रतिमा धारित थे, बाहर की पूरी तैयारी थी, किसान ने खेत को जोत रखा, पानी गिरा तो तत्काल बीज बो दिया, और पहले से जोते ही नहीं तो, पानी गिरेगा तो बीज बो ही नहीं पाएगा। तो पहले की तैयारी का निषेध नहीं है, निषेध है संतुष्टि का, उसको भुनाने का, उससे अपना बड़प्पन मानने का, और वो तो हर एक दशा में, सम्यक्त से भी आप अपना बड़प्पन मानोगे तो उसकी भी निंदा होगी, क्योंकि ये तो पर्याय है कि क्षण की। तो संतुष्टि का तो सर्वत्र निषेध, और बाकी पाप से जितने बचे, दीदी आप से जितने बचे उतना अच्छा है। हाँ जी बोलिए ज्योति बहन जी, आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी, आवाज क्या हो गया, आ रही है आवाज, आ रही है आपका, आवाज आ रही है, अच्छा। आपके नेटवर्क में दिक्कत है, आवाज आ रही है। तो जितने आप अशुभ से बचे उतने तो सर्वत्र प्रशंसनीय, निंदा किसकी, कि जब आप उसको भुनाना चाहते, उसका लाभ लेना चाहते, उससे अपना बड़प्पन मानते,
तो निंदा इसकी है, यानी आपने किया आपको लाभ मिल गया, दूसरों का दूसरों से लाभ उठाना क्यों चाहते आप? दीदी हाँ इसको ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने ना द्रव्य लिंग तो धारण कर लिया, मतलब जैसे खेत को सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बीज नहीं बोया, तो मतलब उन्होंने सम्यक तो नहीं करा प्राप्त। हाँ तो इसमें ये है कि दीदी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज आ रही है हम लोगों को, आ रही है आवाज, आपके में ही कुछ प्रॉब्लम है। देखिए दीदी तो स्थिति ये है कि जिनने वो द्रव्यलिंग ले लिया, यदि वे अपने में संतुष्ट नहीं है, निरंतर तत्वाभ्यास करते रहते, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कर रहे, तो वीर तो जब पढ़ेगा तब पढ़ेगा, कोई खींचत आने से तो पढ़ता नहीं है, यानी अपने आप में हम निरंतर सजग हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब उसमें जब सफलता मिलेगी तो मिलेगी, तो उसका कहीं निषेध नहीं है। तो फिर वो शुभ भाव में ही संतुष्ट हो गए, तो निषेध संतुष्टि का है। वो शुभ भाव ये थोड़ी कहते कि आप हमें संतुष्ट हो, आप संतुष्ट मत होइए, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करिए। तो जब भी शुद्धता होगी तो उसके पहले नियम से यही शुभ भाव होंगे, तो उसका निषेध नहीं। और संतुष्टि का तो जो मैंने कहा ना कि सभी प्रकार की संतुष्टि का निषेध, यानी सम्यक तो भी प्रकट कर लिया, भावलिंग भी प्रकट कर लिया, तो उसमें भी संतुष्टि का निषेध है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय ही क्षणिक, एक एक समय की, तो आप संतुष्ट होगे तो क्या मिलेगा उससे, रोना धोना। संतुष्टि का तो सर्वत्र निषेध, और वैसे द्रव्यलिंग का निषेध नहीं, अपने में ईमानदार रहिए, उसको भुनाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, तो जितने पापों से बचे उतना अच्छा। मार्ग तो यहीं से जाता है, संतुष्ट हो जाओगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, और संतुष्ट नहीं रहे तो मार्ग तो चूंकि यहीं से जाता है तो आगे बढ़ने का अवसर है, तो निषेध हमेशा संतुष्टि का है। हाँ जी, अब इसके बाद चूंकि छठवें से चौदहवें गुणस्थान तक की स्थिति अकेली मनुष्य गति में अन्य के नहीं होती, तो पहले जो सामान्य चर्चा की थी उसके जैसी ही, इसलिए इस प्रकरण को यहाँ संक्षिप्त कर रहे। पहले जो सामान्य चर्चा की थी कहाँ पर, वो जो गुणस्थानों में मतलब हो, देखिए आप 14 गुणस्थानों में की थी आगे। तो ये पेज नंबर 436 से, पेज नंबर 436 से ये चर्चा अपनी आई थी, पेज नंबर 451 तक, 436 से 451 तक जो चर्चा थी, यहां पूरी की पूरी शब्दशा वही चर्चा, इसलिए इसे नहीं दोहरा रहे। क्यों? क्योंकि ये गुणस्थान मात्र मनुष्य में ही होते हैं, अन्य में होते ही नहीं। अभी अपन इसको पढ़ के और फिर उसको दोहराए लेते, क्योंकि तो बहुत लंबा काल बीत गया, यानी अपन आ गए हैं 514 पर।
तो विस्मृत हो गए होंगे फिर, तो एक दृष्टि उस पर है डाल लेंगे, याद आ जाएगा। चलिए अभी तो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब प्रमथ संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक न्यूनता और अधिकता से रहित मूल उघालाप कहना चाहिए, यानी यहाँ ना कुछ कम और ना कुछ अधिक, पूर्णतया वैसा का वैसा। अर्थात गुणस्थानों की अपेक्षा जो आलाप छठे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक कहे आए हैं, वे ही यहाँ मनुष्यों के छठे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक के समझना चाहिए, क्योंकि छठे से आगे के सभी गुणस्थान मनुष्यों के ही होते हैं। इसलिए सामान्य कथन में और इस विशेष कथन में कोई ही विशेषता नहीं है। अब अपन विषय को ताजा करने के लिए एक बार पूरा ये देख लें। बीच में जो शंका समाधान आए थे उसको अपन गौण करते चलेंगे, मात्र आलापों को देखेंगे। तो पेज नंबर 436 निकाल लीजिए। यहां छठवें गुणस्थान संबंधी, चलिए आयुष जी शुरू करिए। प्रमत्त संयत जीवों के जीवालाप ओघालाप कहने पर सबसे पहले गुणस्थान छठवा प्रमत्त संयत गुणस्थान, जीव समास संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तियां, दशो प्राण, दो जीव समास, संगी पर्याप्त और दूसरा दो जीव समास दी, क्योंकि और आरक कायों की अपेक्षा से। बहुत अच्छा, अच्छा यानी यहाँ आहारक रिद्धि का भी उपयोग होना है ना, तो आहारक शरीर बनेगा तो उसकी अपेक्षा से अपर्याप्त दशा भी रहेगी, तो संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त। हाँ आगे छहो पर्याप्तियां और फिर छहो अपर्याप्तियां भी लेंगे। हाँ, फिर तो हम इसी अपेक्षा यानी आहारक मिश्र की अपेक्षा छहो अपर्याप्तियां, आगे दशो प्राण और आहारक मिश्र की अपेक्षा से सात प्राण और संज्ञाएं चारों, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय, चारों वचन योग चारों मनोयोग और औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, आहारक कायोग, आहारक मिश्र कायोग और कार्मण कायोग। कार्मण कायोग कैसे होगा? नहीं होगा, विग्रह गति में होता है क्योंकि वो, तो इसीलिए कार्मण का योग नहीं होगा, मात्र 12 योग होंगे, चार वचन योग चार मनोयोग और औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र कैसे होगा? हाँ आहारक औदारिक का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। कितने हो गए? तो 11 योग हो गए। 11 कौन कौन से नहीं हुए? औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र नहीं होगा और कार्मण का योग भी नहीं होगा। अच्छा, चार नहीं हुए, 11। आगे वेद में तीनों वेद होंगे छठे गुणस्थान में, चारों कषायें और ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान। बहुत अच्छा। संयम में पांच प्रकार का संयम, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार, नहीं पांच प्रकार का नहीं, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि, तीन संयम होंगे। तीन संयम, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय दसवें गुणस्थान से होता है और यथाख्यात संयम तेरवा और चौदवा गुणस्थान में होता है। ग्यारहवें गुणस्थान से होता है यथाख्यात संयम, ग्यारहवें गुणस्थान। आगे दर्शन में तीन दर्शन होंगे, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, लेशिया
द्रव्य की अपेक्षा से छह लेशियाएं और भाव की अपेक्षा से मात्र शुभ लेशियाएं। क्यों? क्योंकि छठे गुण स्थान में अशुभ लेशियाएं नहीं होती। यानी पांच में से ही शुभ लेशियाओं की सत्ता आ गई। बहुत अच्छा। आगे भव्य सिद्धिक सम्यक्तु में तीनों प्रकार तीन सम्यक्तु होंगे, संगी आहारक और अनाहारक दोनों। अनाहारक कैसे? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था भी है मिश्र तो अपर्याप्त अनाहारक नहीं होता। अनाहारक तो कार्मण का योग में होता, तो फिर सिर्फ आहारक। यानी अनाहारक दशा एक मात्र कार्मण का योग में। तो यहाँ साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब सातवां गुण स्थान। चलिए शीतल दीदी। इसमें अप्रमत संयत सम्यक दृष्टि में एक ही गुण स्थान आएगा। अप्रमत समय अप्रमत गुण स्थान जीव 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 समास एक ही पंचेंद्रिय संगनी प्राण छे प्राण। यहाँ जीव समास एक ही क्यों रहा? क्योंकि मनुष्य गति है। नहीं, छठवें में तो दो लिए थे, सातवें में एक ही क्यों रहा? क्योंकि इसमें आहारक शरीर नहीं बने। कि वो छठवें में जो दो लिए थे वो आहारक मिश्र की अपेक्षा, सातवें में तो आहारक होता नहीं, इसलिए एक ही। आगे इसमें छयो पर्याप्तिया दसो प्राण संगना संगना संज्ञा तीन होगी, क्योंकि सात में गुणस्थान से आहार नहीं है। नहीं, उस समय भी सुधरवाया था शायद, आप नहीं होंगे। आहार संज्ञा को छोड़कर भय मैथुन और परिग्रह संज्ञा, ये सुधार दीजिए आप। पहले भी सुधरवाया था, गलत छप गया है। आहार संज्ञा मात्र छठ में तक, यही तो बोला दीदी जी। आहार संज्ञा के लिए छठ में तक होती जी। यहाँ अपन सात में की चर्चा कर रहे हैं, तो आहार संज्ञा को छोड़कर शीर्ष तीन भय मैथुन और परिग्रह यहाँ गलत छप गया है। यहाँ तो आहार बिना लिखा है। नहीं, आहार बिना आपने सुधारा था, आहार बिना नहीं लिखा ही है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर वहां आगे परिग्रह संज्ञा जुड़ी है। हाँ, पूरा बाकी क्या है पढ़िए। नहीं, मैं तो केवल नंबर 15 वाला आलाप देख रही हूँ। अप्रमत संयंत्रों के आलाप। नहीं, तो ये चार्ट में तो ठीक दिया है। अच्छा, ओके। मैं केवल चार्ट में ठीक है, गद्य में गड़बड़ हो गया। जी। तो गद्य में आहार भय और मैथुन ये तीन संज्ञाएं लिख दी, लिखा ऐसा जाना चाहिए था आहार संज्ञा के बिना भय मैथुन और परिग्रह ये तीन संज्ञाएं। चार्ट ठीक है, आपके गद्य में क्या लिखा ऊपर? गलत ही लिखा है, जैसे आहार भय और मैथुन ये तीन संज्ञाएं होती है, ऐसा लिखा है। दीजिए, यानी आहार को निकाल दीजिए और परिग्रह को जोड़ लीजिए। हाँ जी, भय मैथुन परिग्रह। चलिए आगे। मुनिराजू के तीन जो परिग्रह भय मैथुन और परिग्रह, थोड़ा सा खोल दीजिए ना, क्योंकि गुणस्थान में ऐसे उनके तो परिग्रह होता ही नहीं है ऐसे। हाँ, थोड़ा सा खोल दीजिए, तीनों खोल दीजिए। हाँ, क्योंकि तत् संबंधी कर्म का उदय चल रहा। अब देखो इससे भी लेना, एक और सम्यक दृष्टि को ही निर्भय कहा जाता है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को, और दूसरे भय संज्ञा आठवें तक।
एक और छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जी ब्रह्मचर्य महावृत्ति और एक और मैथुन संज्ञा नौमे के सवेद भाग पर, एक और छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जी अपरिग्रह महावृत्ति और एक और परिग्रह संज्ञा दसवें तक, ये कर्म सापेक्ष यानी इन संज्ञाओं में जिन कर्मों का उदय निमित्त होता वे कर्म वहां तक विद्यमान। अपन इसको ऐसा भी ले सकते जैसे छठवें तक आहार संज्ञा बताई, 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेना है, बाकी तो निराहार है, तो वैसा बताना चाहिए था कि ना। उस संबंधी कर्म का उदय निरंतर चल रहा है तो पूरा छठवां गुण स्थान, और जबकि आहार पानी एक बार होना है, कर्म सापेक्ष यहाँ घटित करना। हाँ जी, तो आहार बिना तीनों संज्ञाएं गति मनुष्य इंद्रिय सम गत सॉरी इंद्रिय पांच पंच इंद्रिय काय प्रस्काय योग है, योग है नौ इसमें, क्योंकि इसमें अपर्याप्त दशा ही नहीं है और ना इसमें आहारक शरीर है। वेद तीनों, कषाय चार, ज्ञान ज्ञान तीनों ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी होगा, केवल ज्ञान चार ज्ञान मन पर्याय के बिना जी मन पर्याय भी होगा जी। संयम तीन, इसमें संयम होगी, सामायिक होगी, परिहार विशुद्धि होगी और छेदोपस्थापना छेदोपस्थापना होगी। बहुत अच्छा। संयम दर्शन भी, अवधि दर्शन में भी चक्षु और चक्षु और अवधि दर्शन लेशिया छयों होगी द्रव्य से और भाव से तीन, क्योंकि पांच में गुणस्थान से ऊपर द्रव्य से छहों के से क्यों नहीं, मतलब कोई भी शरीर का रंग तो कैसा भी हो सकता है, वो कोई साधक बाधक तो होता नहीं, इसलिए द्रव्य से छहों लेशिया और भाव से तीन शुभ लेशिया है, क्योंकि पंचम गुणस्थान से ऊपर सब शुभ ही होती है। लेशिया फिर भव्य 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 ही होंगे, संग में ही होगा, सम्यक तो में तीनों सम्यक हो गए, क्योंकि आपने बताया था कि औपशमिक भी साथ में तक चले चल सकता है। सम्यक संगनिक संगनिक आहार ही आहार आहारक होगा और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद आठवां गुण स्थान, हाँ जी, छायोपशमिक के सम्यक्त इसकी अंतिम सीमा सातवां गुण स्थान, प्रथमोपशम सम्यक्त इसकी भी अंतिम सीमा सातवां गुण स्थान, श्रेणी मारने का अधिकार द्वितीयोपशम सम्यक्त वालों के या छायिक सम्यक्त वालों के, उनमें से छायिक सम्यक्त वाले दोनों श्रेणी पर चढ़ सकते, उपशम पर भी छपक पर भी, पर द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले मात्र उपशम श्रेणी पर, छपक पर नहीं, क्यों, उनमें योग्यता नहीं, और छपक वालों को तो नियम से आगे बढ़ना है और उपशम श्रेणी वालों को तो नियम से गिरना है, इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले एकमात्र उपशम श्रेणी पर ही चढ़ेंगे। किसका उपशम करेंगे, जो ये अपने दर्शन मोहिनी के साथ, यानी दर्शन मोहिनी तीन और अनंतानंदी चार,
तो इनका तो उपशम होने पर द्वितीय उपशम सम्मत। अब बाकी जो नहीं, अब बाकी जो 21 प्रकृतियां उनका उपशम और छपक वाले के दर्शन मोहिनी आदि सात का भी 6 और जो अप्रत्यक्षानावरण आदि शेष 21 प्रकृतियां उनका भी 6 होता जाएगा। तो छपक छायिक सम्यक्ति के दोनों अवसर और द्वितीय उपशम सम्यक्ति के एक ही अवसर कि वे मात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ सके। तो क्षयोपशम एक भाव लिया है बाद में तक, तो वो केवल ज्ञान की अपेक्षा क्षयोपशम एक भाव वह है मात्र ज्ञान और दर्शन, यानी बारहवें गुण स्थान में मति श्रोतादि ज्ञान ही चल रही उस अपेक्षा, यानी सम्यक तो मात्र सातवें तक छायोक्षमिक सम्यक, छायोक्षमिक चारित्र दसवें तक और छायोक्षमिक ज्ञान दर्शन वीर्य ये बारहवें तक उसकी अपेक्षा। तो जैसे वो जैसे श्रेणी मान देगा तो वो आठवें से मानेगा तो वो नियम से शायिक सम्यक दृष्टि होगा। हाँ, यदि छपक श्रेणी मान रहे तो छपक श्रेणी मान रहे तो नियम से शायिक सम्यक दृष्टि होगी और उपशम श्रेणी मान रहे तो शायिक भी हो सकते और द्वितीय उपशम वाले भी हो सकते। तो शायिक वाला शायिक उपशम मान लेगा दीदी जी मास्टर सर? हाँ, तो वो सोच करके तो होता नहीं है। नहीं, तो वो उसी भाव में से जरूरी नहीं है ना, उसी भाव से वो मोक्ष जाएगा करेंगे नियम से, वो एक भाव में दो बार मार सकती क्योंकि सोच सोच करके तो मारी नहीं जा सकती, जो हो गया सो हो गया ऐसा, पर उनके अवसर है छायिक सम्यक तो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते, पर औपशमिक सम्यक तो द्वितीय उपशम तो नियम से उपशम श्रेणी भी चढ़ेंगे, छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ जी, आगे ओके हो गया जी, हो गया। चलिए पूर्वकरण को ले लें। पूर्वकरण गुणस्थान जीवों के ओगालाप करने पर आठवां गुणस्थान, एक जीव समास पर्याप्त, छह पर्याप्तियां, दसों प्राण, आर संज्ञा के बिना शेष 3 संज्ञा, क्योंकि आर संज्ञा तो छठे गुणस्थान तक ही थी। मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्त काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग, 9 योग होंगे, तीनों वेद होंगे क्योंकि वेद नवे के पहले भाग तक वेद रहेंगे, इसलिए तीनों वेद है यहाँ पे। चारों कसाएं होंगी, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान रहेंगे, सामायिक और छेद स्थापना संयम रहेंगे क्योंकि ये संयम छठे से लेके नवे गुणस्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि संयम वो छठे से सातवें तक, छठे और सातवें तो वो यहाँ निकल गया। केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशिया और भाव से केवल शुक्ल लेशिया, क्योंकि आठवें श्रेणी के गुणस्थान में शुक्ल लेशिया ही होती है। आगे अब आगे आठवें से सर्वत्र एक शुक्ल लेशिया ही चलेगी, भव्य ही होंगे और 2 ही सम्यक होंगे, औपशमिक और छायिक। औपशमिक द्वितीय उपशम की अपेक्षा होगा, द्वितीय उपशम की अपेक्षा बहुत, और छायिक सम्यक वाले श्रेणी चढ़ने के लिए ये 2 ही सम्यक होते हैं, तो इसलिए छायिक सम्यक तो श्रेणी चढ़ सकता है। उसके बाद आहार की होंगे, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा, शेष चर्चा हम आगे देखेंगे। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवा।